नमस्कार। सो इस समय हम बैठे हुए हैं और आपको मैं कैंपस भी दिखा दूंगा, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है। और ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है जो हमारे राइट में है, सामने बच्चे देख रहे हैं। ये 2023 में लॉन्च हुआ, उसका फर्स्ट बैच था। तो आप अभी कैंपस देखिए, बन ही रहा है धीरे धीरे करके, और सामने दीवार है, फिर हम बाहर निकलेंगे और फिर मैं आपको अपना एनालिसिस लास्ट में दूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आरकेडीएफ एक बहुत पुराना मेजर ग्रुप है एजुकेशन में भोपाल एरिया में। इन्हीं का आरकेडीएफ कॉलेज है, इन्हीं का रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर लॉन्च हुआ। और फिर से इन्हें वही फ़ायदा हुआ कि जो 2023 में रूल चेंज हुआ था कि अगर आपका ऑलरेडी एक कॉलेज चल रहा है मेडिकल, तो फिर आपको 3 साल रनिंग हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इसके हॉस्पिटल को देख के मुझे यही लगा कि अभी उसमें पेशेंट फ्लो वगैरह काफ़ी कम है। तो मेडिकल कॉलेज है जी मध्य प्रदेश में, जैसा हम जानते हैं कि मेधावी छात्र और पोस्ट मैट्रिक बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज भी है, उसका नाम आपने देखा। ये सामने आपको ओपीडी डिपार्टमेंट दिख रहा है, सुबह का टाइम है और आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है, क्या वो है। और अभी हम बस कैंपस से बाहर निकलने वाले हैं। ये सामने अस्पताल की इमरजेंसी है, अभी हम गेट से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ, वरना गार्ड लोग जो है वो सवाल उठाते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। चलिए ड्राइवर साहब बाहर चलिए। तो जो आप स्कूल देख रहे हैं, मदर टेरेसा स्कूल है सामने, जो ऊंची सी बिल्डिंग है, कॉलेज का पार्ट नहीं है, कॉलेज का पार्ट तो यही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा और पहले भी कहा था कि नया खुला है, फर्स्ट ईयर है, अभी बेसिक इंफ्रा बन रहा है, हॉस्टल्स में एसी नहीं लगा है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल कंपलसरी है, सेकेंड ईयर से आप बाहर रहिए। ये कैंटीन है जो कि अभी तक बन रही है, वहाँ गार्ड भाई बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेन रोड टाइप की समझ लीजिए जो है, जिस पे हम आए थे। अभी कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, थोड़ा सा घुमा के ना उल्टा से लेकर आना है, ठीक है? इधर से बन जाएगी। हाँ, ये देखिए आपको दिख रही है, अभी बिल्डिंग बन रही है आर के रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में कॉमन रूल है भाई, फिर भी अगर उस रोड पर ले जाना उल्टा, ठीक है? फिर घुमा के उल्टा लेगा, फिर सीधा जाना कि उल्टा जाना है चिराव जाने के लिए? हाँ, फिर तो घुमा लीजिए, ठीक है। तो ये हम अंदर गए थे, तो देखिए वो जो रूल चेंज हुए उसकी वजह से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, पेशेंट फ्लो बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बन रहा है। तो जो हमने मैंने वो लास्ट टाइम हमने साधुपुर दिखाया था भाई, इस समय इसकी अभी हालत है, ठीक है? हाँ जी, धीरे धीरे डेवलप होगा, बट एज ऑफ नाउ मामला टाइट है। और फिर से देखिए, मध्य प्रदेश में समस्या क्या है कि जो समस्या कह लीजिए, बेनिफिट कह लीजिए एमपी के बच्चों को, कि एमपी के सारे बच्चे किसी ना किसी स्कॉलरशिप के अंदर आ जाते हैं और फ्री में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इसलिए इनकी नॉर्मल सीटें तो भरी जाती है, जैसा मर्जी जो मर्जी खोल ले, ठीक है? अब जो एनआरआई सीट्स हैं जो एमपी के बाहर के बच्चे लेते हैं, उसमें 3 गुना फीस होती है। ये कॉलेज है, ये चूँकि हॉस्टल कंपलसरी है ही नहीं, तो आप मान के चलिए 1.5 करोड़ में आपको सीट मिल जाती है। और खाना पीना बाहर मिला के, अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं तो आप 1 लाख रुपये साल का जोड़ो तो आपका 1.10 करोड़ में काम हो जाएगा। तो वेरी स्पेसिफिक जी, अगर आपके 300-350 प्लस हैं तो आपको यहाँ पर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर इस साल की मुकाबले तो 180-190-200, और आपको कोई भी और कॉलेज मिल ही नहीं रहा। अगर मैं स्पेशली एमपी के बाहर के बच्चों की बात करूँ, मैं महंगी सीट की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ना कि एमपी के जो लोकल बच्चों ने तो पता ही है कि फ्री में पढ़ना है तो वो अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी उनको पता ही है कहाँ जाना है। जो एमपी के बाहर के बच्चे हैं और सीट लेने आते हैं, उनको मेरी सलाह वही रहती है कि देखिए, दीज आर दी कॉलेजेस जो कि अभी बन रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आपके 350 मार्क्स हैं तो आप SGT गुरुराम रे ऐसी जगह चाहिए, वहाँ भी आपका 1-10 लाख पे खर्च होगा। बट अगर आपके नंबर 180-190 हैं और आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो आप इनको हमेशा वो पुदुचेरी और MCC की डीम्ड यूनिवर्सिटी से कंपेयर कीजिए, भारत सत्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा वहाँ। और ये है कि बस नॉर्थ इंडियंस के लिए यही फ़ायदा है कि आपका नॉर्थ इंडियन कल्चर मिल जाता है, खाना पीना आसान है, और जो भी पेशेंट आएंगे वो एटलीस्ट हिंदी में बात करेंगे। सो दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव थिंग विच आई कैन से व्हेन यू कंपेयर विद दी पुदुचेरी एंड वो वाली यूनिवर्सिटीज, राइट? मध्य प्रदेश में एनआरआई गार्जियन चल जाता है, मैंने आपको कई बार कहा है, तो वो दिक्कत की बात है नहीं। एनआरआई गार्जियन चलाइए और एडमिशन ले लीजिए। तो आप रोड को भी देख रहे हैं, ये एक्सेस रोड थी इस कॉलेज में पहुँचने के लिए। तो ये था आपकी विजिट फॉर रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।